क्या आप अपने नॉर्मल टीवी को बदलना चाहते हो एक स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी में और वो भी एक बजट प्राइस में। तो आज मेरे पास आपके लिए ऐसा ही एक डिवाइस है जिसकी मदद से आप अपने नॉर्मल टीवी को बदल पाएंगे एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यह है मेरे पास टेनिक्स TX6 एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, जिसे आप बैंगूड से परचेज कर सकते हो। और अगर तो आप इस डिवाइस को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग और देखेंगे ये डिवाइस कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये है इसका बॉक्स पैक और सामने की तरफ मेंशन किए गए हैं इसके कुछ मेन हाईलाइट फीचर्स, जैसे कि ये डिवाइस सपोर्ट करता है 4K को और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको मिल जाएगा वाईफाई और इथरनेट पोर्ट। और बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पर लिखा गया है इसका मॉडल नंबर, जो कि है TX6A, और साथ ही में बताया गया है इसके वेरिएंट के बारे में। और आज की अनबॉक्सिंग के लिए मेरे पास है इसका 4GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। और प्राइसिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप इस डिवाइस को बैंगूड से काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस 2800 से 3000 रुपये के बीच में परचेज कर सकते हो। और यदि तो आप इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके बॉक्स कॉन्टेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा ये टेनिक्स TX6 एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और कॉम्पैक्ट है और ये बना हुआ है प्लास्टिक का। अभी के लिए हम रखते हैं इसे साइड में और चलते हैं बॉक्स के बाकी कंटेंट्स की तरफ। उसके बाद हमें मिल जाता है ये यूजर मैनुअल, जिसमें आपको इस डिवाइस को कनेक्ट करने की ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आता है डिवाइस को पावर अप करने के लिए अडैप्टर, और जिसकी केबल की लेंथ भी काफी अच्छी दी गई है। एक HDMI केबल, क्योंकि आप इस डिवाइस को अपने टीवी से सिर्फ HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। और आखिरी में इस बॉक्स में हमें मिल जाता है एक फुली फंक्शन रिमोट कंट्रोलर, जिसमें लगेगी 2 AAA साइज बैटरीज। तो फ्रेंड्स, हमें ये सभी कंटेंट्स इसके बॉक्स में देखने को मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, और ऊपर की तरफ इसके मॉडल नंबर को मेंशन किया गया है। सामने आपको मिल जाएगा इसका डिस्प्ले पैनल, जहां पर करंट टाइम शो होगा, और यहां इस तरफ आप अपने माइक्रो SD कार्ड को भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो पेन ड्राइव कनेक्टिविटी का ऑप्शन तो आपको यहाँ पर मिल ही जाता है, और साथ ही में आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड को भी। बॉक्स में पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक SPDIF पोर्ट, 2 USB 2.0 पोर्ट, एक ईथरनेट पोर्ट, HDMI पोर्ट, और डिवाइस को पावर अप करने के लिए एक पोर्ट। और यहाँ पर आपको इस तरफ मिल जाएगा वाईफाई को रिसीव करने के लिए एक एक्सटर्नल एंटीना, और साथ ही में है USB 3.0 पोर्ट। तो फ्रेंड्स, हमें ये सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं इस डिवाइस में। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने टीवी की तरफ और मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस डिवाइस को अपने टीवी के साथ में। तो डिवाइस को मैं HDMI केबल के थ्रू अपने टीवी के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ, और साथ ही में मैं अटैच कर देता हूँ इसके पावर अडैप्टर को भी। और वायर्स मैंने यहाँ पर कर दी है अटैच। अब हम करते हैं डिवाइस को ऑन। तो सामने की तरफ ग्रीन कलर में आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपका करंट टाइम शो होगा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका होम स्क्रीन, और इसका यूजर इंटरफेस काफी क्लीन और सिंपल है। और ऊपर की तरफ आपको करंट टाइम देखने को मिल जाएगा, और उसके नीचे है 3 शॉर्टकट मेन्यूज। और इसके अलावा डिवाइस को ऑलरेडी मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है, और उसके साथ ही में मैंने पेन ड्राइव भी इस पर कनेक्ट की हुई है। वहाँ ऊपर राइट साइड में आप देख सकते हो इसके वाईफाई और पेन ड्राइव के आइकन को। और इसकी होम स्क्रीन पर आपको कुछ आइकन्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब और क्रोम। और साथ ही में आप इन आइकन्स को रिप्लेस भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर कोई नई ऐप भी ऐड कर सकते हो। और ये है इसका एप्स मेन्यू, जहाँ पर आपको इसकी सभी इंस्टॉल एप्स देखने को मिल जाएंगे। और इस पहले एड ऑन अपडेट वाले ऑप्शन से आप इस डिवाइस पर अवेलेबल एड ऑन्स को अपडेट कर सकते हो। और यह है इसका एयर स्क्रीन ऐप, जहां पर आप अपने आईफोन या फिर आईपैड की स्क्रीन को मिरर कर सकते हो। और उसके बाद हमें मिल जाता है यहां पर एप्टोएड टीवी, और ये एक कमाल का ऐप है, जो कि यहां पर हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। ये एप्टोएड टीवी बेसिकली एक तरह का प्ले स्टोर है, जहां पर हमें वो वाली एप्स भी देखने को मिल जाएगी जो कि हमें प्ले स्टोर में नहीं मिलती। आप यहाँ पर अवेलेबल हजारों एप्स में से कोई भी एप्स को अपने डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हो। और फिर आता है गूगल क्रोम ब्राउजर, जहां पर आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। और यदि तो आप इस डिवाइस पर अपना वायरलेस कीबोर्ड या फिर माउस अटैच करते हो तो आपको इस क्रोम ब्राउजर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और अब हम चलते हैं इसके फाइल मैनेजर वाले ऑप्शन में, और यहां पर आपको इसकी इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, मैंने यहां पर अपनी एक्सटर्नल पेन ड्राइव अटैच की हुई है 32GB की, और साथ ही में आप यहां से इंटरनल मेमोरी या फिर पेन ड्राइव में पड़ी हुई म्यूजिक या फिर वीडियोज को भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये है मेरे पास 32GB वाला वेरिएंट, और इसमें अवेलेबल स्पेस हमें 26GB के आसपास मिल जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके गैलरी वाले ऑप्शन में, और जहां से आप इसके इंटरनल मेमोरी या फिर पेन ड्राइव में पड़े हुए
वीडियोस, फोटोज़ या म्यूज़िक फाइल को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव में ये कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, और उसके अलावा यहाँ नीचे मेरे पास है कुछ वीडियोज़ जिसे मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्ले कर देता हूँ इस वीडियो को, और इस वीडियो को प्ले करने के लिए मैंने इसे स्विच किया है माउस मोड पर, और वीडियो भी यहाँ पर हमारा हो चुका है प्ले। वीडियो को करते हैं थोड़ा सा फॉरवर्ड, तो ये वीडियो जो भी यहाँ पर प्ले हो रहा है इसका रेजोल्यूशन है फुल एचडी 1080p। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से प्ले हो रहा है, वो भी बिना किसी लैग के। तो गैलरी वाले ऑप्शन के बाद अब हम चलते हैं इसके मीरा कास्ट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको मीरा कास्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है। मतलब कि आप यहाँ पर अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस या फिर अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को इस पर मिरर कर सकते हो। और अपने फ़ोन की स्क्रीन को मिरर करने के लिए आपको जाना होगा अपने फ़ोन की सेटिंग्स में, और वहाँ से आपको वायरलेस डिस्प्ले वाले ऑप्शन को ऑन करना है, और फिर यहाँ से अपने डिवाइस के नाम पर टैप करना है। और आप देख सकते हो अब हमारी फ़ोन की स्क्रीन जो है वो मिरर हो चुकी है। तो मिररिंग भी देख लीजिए आप, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है बिना किसी लैग के। और चलते हैं हम यूट्यूब पर, और मैं यहाँ से आपको कुछ प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए आप यहाँ पर जो मिररिंग है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है। और उसके अलावा आप इसके म्यूज़िक वाले ऑप्शन से अपने पेन ड्राइव या फिर इसके इंटरनल स्टोरेज में अवेलेबल म्यूज़िक फाइल को एक्सेस कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस डिवाइस पर गूगल प्ले स्टोर का ऑफिशियल सपोर्ट, जहाँ से आप कई सारी गेम्स और ऐप्स को इस पर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ ये प्राइम वीडियो ऐप को। तो यहाँ से बेसिकली जैसे कि आप अपने नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप्स को इंस्टॉल करते हो, उसी तरह से आपको यहाँ से ऐप्स को इंस्टॉल करना है। और उसके बाद मैं एक बार आपको ये अमेज़न प्राइम वीडियो ऐप भी इस डिवाइस पर चलाकर दिखा दूंगा। तो चलिए जल्दी से मैं इस ऐप को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अमेज़न प्राइम वीडियो यहाँ पर हो चुका है हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब हम चलते हैं ऐप्स वाले ऑप्शन में, जहाँ पर आपको ये नई ऐप देखने को मिल जाएगी। और ये देखिए अमेज़न प्राइम का आइकन यहाँ पर आ चुका है, और अब आप यहाँ से इस ऐप को भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके सेटिंग वाले ऑप्शन में। तो यह बेसिकली इसका सेटिंग मेन्यू का इंटरफेस आपके एंड्रॉयड फ़ोन जैसा ही है। इसके नेटवर्क और इंटरनेट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर अवेलेबल वाईफाई की लिस्ट शो हो जाएगी, और इस अकाउंट एंड साइन इन वाले ऑप्शन से आप अपना गूगल अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और फिर आता है इसका ये ऐप्स वाला ऑप्शन, जहाँ पर आपको इस डिवाइस पर इंस्टॉल ऐप्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ से इन ऐप्स को अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। और अब हम चलते हैं इसके डिवाइस प्रेफरेंस वाली सेटिंग में, और यहाँ पर आपको अबाउट से इस डिवाइस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि इस डिवाइस का मॉडल नंबर और इसका सिक्योरिटी पैच डेट, और साथ ही में एंड्रॉयड वर्जन के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये डिवाइस रन कर रहा है लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड पाई आउट ऑफ द बॉक्स। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये अपडेट वाला ऑप्शन, जहाँ से आप अपने डिवाइस को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। तो अभी तो यहाँ पर कोई लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये डिवाइस ऑलरेडी लेटेस्ट एंड्रॉयड सिस्टम पर है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके साइड में दिए गए सेटिंग वाले ऑप्शन पर, जहाँ पर आपको ये इसका मेन सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर आइकन्स को शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। आपको सिंपली बस इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, और यहाँ से एक ऐप को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऐप्स के शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं यूट्यूब पर, और मैं यहाँ से आपको कुछ 4K वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये डिवाइस किस तरह से 4K वीडियोज़ को हैंडल करता है। तो वीडियो जो है हमारा 4K रेजोल्यूशन में प्ले हो चुका है, और आप देख सकते हो वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये बिना किसी लैग के काम कर रहा है। और अगर हम इसकी क्वालिटी को यहाँ से चेक करें, तो अभी तो ये फ़िलहाल प्ले हो रहा है 1440p पर। मैं इसे यहाँ पर स्विच कर देता हूँ 4K पर, और वीडियो की क्वालिटी को मैंने स्विच कर दिया है यहाँ पर 4K रेजोल्यूशन पर, और अब जो ये वीडियो प्ले हो रहा है वो हो रहा है 4K रेजोल्यूशन में। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से प्ले हो रहा है बिना किसी लैग के, और क्वालिटी भी पिक्चर की काफ़ी अच्छी है। तो यार इस डिवाइस में लगी हुई है 4GB रैम, तो ये डिवाइस काफ़ी इजीली जो है वो 4K रेजोल्यूशन को हैंडल कर लेता है, और वो भी बिना किसी लैग के। और एक बार मैं आपकी कन्फर्मेशन के लिए फिर से आपको दिखा देता हूँ कि वीडियो जो है वो यहाँ पर 4K रेजोल्यूशन में ही प्ले हो रहा है, और आप देख लीजिए यहाँ पर जो रेजोल्यूशन सेलेक्टेड है वो है 4K। और साथ ही में ये जो मेरा टीवी है वो है iFalcon 55 इंच टीवी, जो कि एक 4K टीवी है, और इसीलिए हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। तो यदि तो आप इस डिवाइस को एक 4K टीवी के साथ में चलाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए एक बार जल्दी से मैं उस ऐप को भी आपको चलाकर दिखा देता हूँ, जो कि मैंने इसके प्ले स्टोर से इंस्टॉल की थी अमेज़न प्राइम वीडियो को। और इस ऐप को चलाने के लिए आपके पास अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, और मैं जल्दी से यहाँ पर अब डाल देता हूँ अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड।
तो अकाउंट मेरा हो चुका है सक्सेसफुली लॉगिन, और यहाँ से मैं आपको ये स्पाइडरमैन मूवी प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। और साथ ही मैंने इसके रिमोट को स्विच कर लिया है माउस मोड पर। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर रिज्यूम पर क्लिक करते हैं और प्ले करके देखते हैं हम अपनी मूवी को। और जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो, Amazon Prime Video भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। वीडियो जो है हमारी बिना किसी लैग के काम कर रही है, और वीडियो स्ट्रीमिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और इसकी वीडियो स्ट्रीमिंग क्वालिटी टोटली आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करती है। आप Amazon Prime Video ऐप में इसे मैनुअली चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस डिवाइस पर माउस फंक्शन को इनेबल करने के लिए आपको इसके रिमोट पर दिए गए इस बटन को प्रेस करना है। आपका रिमोट अब एज अ माउस काम करेगा, और इसे एग्जिट होने के लिए आपको सिंपली बैक की प्रेस करनी है। तो यार ये जो डिवाइस है वो सभी ऐप्स को इजीली हैंडल कर लेता है, और आपको इस डिवाइस के थ्रू एक लैग फ्री एक्सपीरियंस मिल जाता है। और उसके साथ ही साथ आप इस डिवाइस पर एप्लीकेशंस को भी साइड लोड कर सकते हो। और इस डिवाइस पर एप्लीकेशंस को साइड लोड कैसे करना है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मैंने उस वाली वीडियो में अपना मीकूल एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में ये डिवाइस एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि 2800 रुपए की रेंज में इस डिवाइस में आपको 4GB की रैम मिल जाती है, और साथ ही साथ ये रन कर रहा है एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स। तो यदि तो आप अपने टीवी के लिए एक ऐसा डिवाइस ढूंढ रहे हो जो कि बजट प्राइस में हो और साथ ही में आपको मिल जाए जिसमें लैग फ्री एक्सपीरियंस, तो आप डेफिनेटली इस डिवाइस के लिए जा सकते हो। और अगर आप इस डिवाइस को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इस डिवाइस को आप banggood.com से परचेज कर सकते हो। और ये डिवाइस मुझे विद इन 10 डेज रिसीव हो गया था। तो यार यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।